नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगिता सिंह वाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रूबरू में। दोस्तों, रूबरू हमारा एक ऐसा शो है जहां हम आपसे मुलाकात कराते हैं हमारे देश की जानी मानी हस्तियों से, कुछ ऐसे खास मेहमानों से जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं मिस फरीन खान जी, जो कि फाउंडर है एडुकेसी वर्ल्ड की। चलिए बात करते हैं इनसे, और आज ये हमारे एक खास इवेंट कॉन्वोकेशन इवेंट का हिस्सा है एज ए गेस्ट। हेलो मैम, वेलकम टू आर शो। कैसी हैं आप? हेलो मैम, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा आज इस कॉन्वोकेशन शो में आने का। इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड दैट आई एम हियर एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। बाकी सब तो ठीक है, बट जो संदीप सर का जो इनविटेशन आया था, दैट इज सो मतलब सरप्राइजिंग फॉर मी। ओके मैम, सो मैम आप भी स्टूडेंट रहे हो, सो स्टूडेंट बीइंग एक्सपीरियंस पर्सन, स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हाउ दे कैन ग्रो इन देयर लाइफ? आई थिंक कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एंड स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली ये उनका फर्स्ट स्टेज है कि अब उनको आगे बढ़ना है। तो मैं यही बोलूँगी स्टूडेंट्स के लिए कि जो चीज़ फेस करते हैं, मतलब उस वो चैलेंजेस जो उनके सामने आते हैं, जस्ट हैप्पीली एक्सेप्ट इट, बिकॉज अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। अगर आप वो चीज़ खुशी खुशी देखोगे कि हाँ ये एरर है, और आप उस एरर को 3-4 बार अटेम्प्ट भी करते हो और आप फिर फेलियर होते हो, तो मतलब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वो एकदम से सक्सेस ही जाएगा। एंड आई थिंक कि जैसे मेरे साथ भी कई ऐसे स्टेप्स थे जो मैं कई बार ऐसे हुए कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं ये छोड़ देती हूँ, बट नो, मैंने सोचा कि आज हो गया ना, लेट्स ट्राई, एक और बार ट्राई किया, एंड नाउ सी आई एम द सीईओ ऑफ एडुकेसी वर्ल्ड, एंड इस एज में ये चीज़ करना प्लस आप लोगों से जुड़ना, संदीप सर से जुड़ना, इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। और अब अच्छा लगता है कि हाँ, काश मैं वो स्टेप मैं और पहले ले लेती। मुझे उस टाइम जब फेलियर फील हुआ था कि हाँ मैं गिर रही हूँ, तब मैं बीच में एक पॉज ले लिया था मैंने, वो पॉज नहीं लेती तो शायद मैं आज कहीं और होती। तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पॉज मत लीजिए, और अगर आप होते हो तो तुरंत उस चीज़ को एक्शन करके आगे बढ़िए। सो वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क कि आपने कहा पॉज मत लीजिए, समटाइम्स इट्स ऑल्सो ओके टू नॉट टू कम विद अ प्लान, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, कई बार ऐसा मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैं मतलब आपसे जानना चाहती हूँ, बींग एन एक्सपीरियंस पर्सन, यू कैन टेल मी दैट वेयर आई एम रॉन्ग एंड वेयर आई एम राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि वैन यू कम अप विद अ प्लान एंड दैट प्लान डजेंट वर्क, सो आपको एक अलग तरह की डिसअपॉइंटमेंट होती है। बट वैन यू डोंट हैव एनी प्लान बट यू डू वर्क फ्लुएंटली फ्लोलेसली, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, लेकिन तो व्हाट डू यू थिंक कि प्लान हमेशा इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं? आई डोंट थिंक सो कि प्लान करके ही हर चीज़ पॉसिबल होती है। एज आई एम एन इंजीनियर, मुझे अभी किसी HCL, TCS या फिर किसी बड़ी IBM कंपनी में होना चाहिए था, बट नो, आई एम एन एजुकेशनिस्ट राइट नाउ। मैंने ऐसा प्लान नहीं किया था जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट स्टेप लिया था। इवन आई लव टू डू मॉडलिंग, बट ऐसा नहीं हुआ। वो मैं ये बोलूँगी आपसे कि आपको जिस चीज़ में खुशी मिले, मैंने इंजीनियरिंग की उस टाइम पे वो क्रेज़ था कि मुझे इंजीनियर ही बनना था, तो मैं बन गई। इंजीनियरिंग के बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन HCL, मगर उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मुझे इसमें खुशी नहीं मिल रही है। मैंने अपनी खुशी ढूंढी, अगर मुझे मॉडलिंग करना था तो मैं उस फील्ड में भी गई। उसके बाद मुझे लगा कि बस हो गया, मगर नहीं, मुझे एजुकेशनिस्ट ही बनना था करके मेरे दिल में अपने आप आया ये चीज़। मुझे खुशी मिली, मैंने स्टेप बाय स्टेप वो किया काम, और जब मैं आगे बढ़ी तो हाँ, मुझे सक्सेस मिला। तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिले, आज जो स्टूडेंट्स हैं, कई फिल्म स्टार्स बनेंगे इन फ्यूचर, कुछ जर्नलिस्ट बनेंगे, तो ऑब्वियसली उनको उस चीज़ में खुशी मिल रही है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। अगर नहीं खुशी मिलती तो वो एडमिशन नहीं लेते। और कुछ ऐसे हैं जो घर में भी बैठ जाएंगे, वो आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग्स ये करेंगे, मतलब एक्टिंग का कोर्स करने के बाद भी, मगर उनको उस चीज़ में भी स्कोप मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ उनका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, उनको फ्यूचर में पता पड़ेगा कि उन्होंने क्या गेन किया है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? स्टूडेंट और ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लिव हैप्पी, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना किसी भी चीज़ से,
प्लस हमेशा दूसरों को मोटिवेट करो, मतलब आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए. कोई कितना भी आपसे नेगेटिव बात करे, आपको कितना भी गिराए, आपको कभी नहीं गिरना है. आपने कहना जी नमस्ते, आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश. जी सो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी पॉजिटिव वाइब्स हमें महसूस हो रही हैं. सो मैम थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो. तो दोस्तों ये थे हमारी आज की खास खूबसूरत सी मेहमान. उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद ज़रूर आया होगा. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी बहुत सारे मेहमानों के साथ, करेंगे चर्चा ढेर सारी बातों पर. देखते रहिए MSTV हर पल आपके साथ.